Someone has access to your screen. So guys, जैसे आप लोग अपने मैसेज बॉक्स से किसी को भी मैसेज भेज रहे हो या आपको मैसेज रिसीव हो रहा है तो आपको ये सेम प्रॉब्लम आ रही है, सेम एरर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है Someone has access to your screen. और यहाँ पे लिखा हुआ है If you don't share your screen using com.android system UI और stop install this app to restart your phone और Google has hidden your sensitivity to content for security. So guys, अगर आपको भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है आपके मैसेज बॉक्स में, जब आप लोग किसी को भी मैसेज सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो उसमें लिखा हुआ है ऊपर Someone has access to your screen, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम आपकी कैसे सॉल्व होगी और ये प्रॉब्लम आपको क्यों आ रही है। तो गाइस इसी वीडियो में मैंने आपको उसका परमानेंटली सॉल्यूशन बता दिया है। बस इस वीडियो को जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना, इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी 100% to 100%। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको वो ट्रिक वो मेथड बता देते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा, तो सबसे पहले देखो साइड में एक मोबाइल फोन स्क्रीन शो होगा, इस पे ऊपर के आपको क्लिक करना है। मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम आपकी कैसे सॉल्व होगी, समवन हैज एक्सेस टू योर स्क्रीन। सबसे पहले दोस्तों हम इसका मतलब जानते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि आपका मोबाइल फोन, जो भी आप लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो ना, यानी कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन के ऊपर होगी, जिससे भी आप किसी के साथ स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो ना या किसी भी चीज को यूज कर रहे हो जिसमें आपकी स्क्रीन शेयर हो रही हो, उसके कारण ये क्या कर रहा है कि आपको जो गूगल की सिक्योरिटी है वो आपको तुरंत एरर यानी कि ये मैसेज आपको अलर्ट भेज देती है जिसमें लिखा हुआ है Someone has access to your screen। जब भी आप किसी को भी चैट पे मैसेज करके टैप कर रहे हो ना मैसेज बॉक्स से, तो आपको यही प्रॉब्लम, ये सेम एरर आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा, अगर आपके मोबाइल फोन पे कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिससे आप यूज कर रहे हो, जिससे आप किसी भी अदर मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन पे स्क्रीन शेयरिंग से कोई वर्क करते हो या किसी भी मोबाइल फोन पे किसी की भी स्क्रीन शेयरिंग देखते हो या भाई लेन देन करते हो स्क्रीन शेयरिंग का, तो वो झंझट आप बंद कर दो, क्योंकि गूगल उसके खिलाफ हो चुका है। वो इसलिए हो चुका है क्योंकि आपकी जो प्राइवेसी है ना, गूगल बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर करना चाहता है, तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें लिखा हुआ है Someone has access to your screen। अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूं। मैंने आपको बता दी कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूं, ये प्रॉब्लम आपकी कैसे ठीक होगी। इसके लिए देखो आपको अपनी मोबाइल फोन पे स्क्रीन पे आ जाना है, यहीं पे मैं आपको अब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। यहां पे दो ट्रिक आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, कैसे आपको ये जो Someone has access to your screen जो प्रॉब्लम आ रही है इसको कैसे फिक्स करना होगा। तो पहले ट्रिक में देखो करना क्या, आपको अपना जो मैसेज बॉक्स है वो ओपन करना, ठीक है। मैसेज बॉक्स पे आना है, मैसेज पे आने के बाद अपनी जो प्रोफाइल है इसके ऊपर क्लिक करना होगा और यहां पे स्पैम एंड ब्लॉकेड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करना होगा, देखो आपको सारे नंबर देखने को मिल जाएंगे, ये देख सकते हो। इनमें से आपको देखना है कि जो आपके साथ ज्यादा स्पैम कर रहे हैं ना उसको आपको ब्लॉक कर देना है यहां से, ठीक है। जैसे कि ये ब्लॉक है, इसको आपको ब्लॉक कर देना है, ब्लॉक पे क्लिक कर देना है। जितने भी नंबर आपको देखने को मिले इनको ब्लॉक कर देना है, या आपके साथ कोई भी स्पैम नहीं करेंगे, यानी कि आपकी जो भाई आपको स्क्रीन शेयरिंग का जो एरर आ रहा है ना इनकी वजह से आपको देखने को मिल सकता है। बट अभी हमारी ट्रिक पूरी नहीं हुई है, उसके बाद देखो फिर से आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहां पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा आपको, देखो नीचे ये देखो मैसेज सेटिंग का, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहां से मेन सेटिंग हमारी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहां पे देखो नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन में जाने के बाद देखो अलाउ नोटिफिकेशन भेज ऑप्शन मिलेगा, अलाउ फ्लोटिंग नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहां पे देखो अलाउ लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, इसको आपको यहां से ऑफ करना होगा। और यहां पे देखो आपको और नीचे ऑप्शन चले जाना है, यहां पे शो नोटिफिकेशन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहां पे इनकम मैसेज का ऑप्शन मिला है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहां पे जो भी नंबर का आप मैसेज रीड करना चाहते हो यहां पे आपको मिल जाएंगे, ये देख सकते हो। बैकग्राउंड टास्क का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो यहां पे बैकग्राउंड टास्क का जो ऑप्शन है इस पे देखो शो नोटिफिकेशन दिखा रहा है, इसको आपको ऑफ कर देना है। जो भी बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन आपके आएंगे वो यहां से ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे बिल्कुल भी, कोई भी आपको योर स्क्रीन शेयरिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो उसको आपको यहाँ पे बैकग्राउंड टास्क से ऑफ कर देना है। अदर नोटिफिकेशन में जाना है, तो अदर नोटिफिकेशन में देखो आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो इनको भी आपको ऑफ कर देना, ठीक है। यहाँ से जितने भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं वो आप ऑफ कर देना, जो जो मैंने आपको बताया। उसके बाद इसको बैक करना है, बबल पे जाना है। यहाँ पे बबल पे जाने के बाद देखो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो नो नथिंग कैन डू बबल, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करने के बाद अब यहाँ से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी आपको मैसेज जो है भाई यहाँ पे स्पैम में नहीं जाएगा, यानी कि आपको जो वो प्रॉब्लम आ रही है ना Someone has access to your screen, अब वो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको बैक करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने का सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना है मैसेज, ठीक है। मैसेज सर्च कर देना है, मैसेज पे क्लिक करना है। मैसेज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने बाद देखो आपके सामने मैसेज जो एप्लीकेशन आएगा ये देखो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल मैसेज ये आपका, इसको यहाँ से आपको अपडेट कर लेना अगर आपका ये अपडेट मांग रहा है, ठीक है। अपडेट जैसे आप लोग कर लोगे, अपडेट करने के बाद फिर से आपको उसको ट्राई करके देखना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आप ये दिक्कत बिल्कुल आपको नहीं आने वाली है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई, जो मेथड मैंने आपको बताया वो अप्लाई करना।
जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, समवन हैज एक्सेस टू योर स्क्रीन, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अदरवाइज अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। जो भी आप स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो अपने व्हाट्सएप के थ्रू या यहां पे किसी भी चीज़ या किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, वो आप बंद कर दो, आपकी जो मैसेज में जो प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल भी आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो ये ट्रिक है मेथड आपको लगाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है इस वीडियो को देखने के बाद, तो मेक श्योर कर लेना यार, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय मेरे दोस्त यहाँ पे।